बाएं दाएं क्यों घूमते रहते हो, इतना समय लगता है, अब यही आइए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब एक एक लोगों की फरियाद को सुन रहे थे, उस वक्त एक ऐसा मामला आया मुजफ्फरपुर से, जहां पर एक महिला पहुंची रोते हुए नीतीश कुमार के पास और कहा कि मेरी शादी टूट गई है, मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया है, कई सारे आरोप भी लगाए हैं। और जब उनकी बात को सुना नहीं जा रहा था, यहाँ तक ये भी कहा कि मैं मुजफ्फरपुर SP के जनता दरबार में भी गई थी, वहाँ पर भी मेरी फरियाद नहीं सुनी गई, मैंने कानून का सहारा लेना चाहा, मैंने केस किया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2017 का ये मामला है, सोचिए 4 साल विलंब हो गया। उसके बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के चैतन्य प्रसाद को फ़ोन लगाया, फ़ोन उठाने में भी देरी हो गई। सोचिए मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जब सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि सब समय से आएंगे, समय से काम होगा, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी फ़ोन उठाने में देरी कर दी। फिर क्या था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुरंत गर्म हो गए, बुलाया पास में, कहा कहाँ आप रहते हैं, देखिए कितना बड़ा मामला है, तुरंत इस पर कार्रवाई कीजिए। एक्शन में दिख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तुरंत कार्रवाई करते हैं और लापरवाही जरा से भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्या कुछ वीडियो में है, जरा देखिए। शादी हुआ था 2015 में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं, समझते हुआ मुजफ्फरपुर SP साहब के पास गए थे जनता दरबार, लेकिन कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ वहाँ से कोई। आपकी शादी हुई है? जी। क्या कर दिया आपकी शादी, आपको छोड़ दिया है? जी सर। तो केस नहीं हुआ है? जी सर, SDGM कोर्ट से केस किए थे, लेकिन 5 साल हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अरे नहीं लगाओ ना, मुजफ्फरपुर SP जनता दरबार भी गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ वहाँ। हेलो, बाएं दाएं क्यों घूमते रहते हो, इतना समय लगता है, अब यही आइए, अब यही आइए। थाना पर भी गए थे। अरे महिला को देख लीजिए, इसका शादी हुई थी, इससे और मांग कर रहा था मोटरसाइकिल, क्या क्या इसको छोड़ दिया, इसको लेकर के जो भी केस हुआ इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई ध्यान नहीं है, इसको तत्काल देखिए। तो आपने इस वीडियो को देखा है, कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद पर थोड़ा सा कह सके तो गुस्सा गए, और उसके बाद सरगर्मियां जब बढ़ीं तो उन्होंने कहा कि इस महिला की फरियाद तुरंत सुनी जाए, क्यों इतने साल से मामला लंबित है और क्यों अब तक किसी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जब यहां आके रो रही है, अपनी फरियाद को सुना रही है, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ इस वीडियो में हुआ आपने सुना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।